नारद मुनि को जब भी टीवी सीरियल्स या फिर मूवीज में दिखाया गया है तो उनकी छवि एक जोक मारने वाले, फनी और बात बात पर हंसने वाले और दो लोगों को आपस में लड़वाने वाले की दिखाई गई है। लेकिन क्या सच में भी नारद मुनि ऐसे ही थे? फोनों का बटन दबा के नारद मुनि के बारे में कुछ अद्भुत जानने के लिए तैयार हो जाइए। दरअसल नारद मुनि ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की थी जिसकी वजह से उन्हें ब्रह्मर्षि और देव ऋषि का पद प्राप्त हुआ था। 25,000 श्लोकों वाले ग्रंथ नारद पुराण और पंचरात्र की रचना नारद जी ने ही की थी। विष्णु भगवान के अनन्य भक्त होने के साथ साथ नारद जी अमर है और सिर्फ देवता हो ही नहीं बल्कि देव गुरुओं के भी गुरु है। वे लघिमा शक्ति को धारण करते हैं जो कि आज की हॉलीवुड मूवीज में टाइम ट्रेवल्स की तरह ही एक पावर है और उसी की शक्ति से किसी भी लोक में पल भर में विचरण करने की क्षमता रखते हैं। वेद, उपनिषद और पुराणों के मर्मज्ञ और ज्ञाता नारद मुनि के बारे में अगर ये बातें आपको नहीं पता थी तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें।